नागपुर शहर में हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। शहर में रोजाना 2-3 हत्या की वारदात होने से आम जनता में डर का माहौल बना है। वहीं गुरुवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में भी हत्या का मामला सामने आया। क्राइम कैपिटल के नाम से एक बार फिर नागपुर शहर का नाम सामने आ रहा है। रोजाना हत्याओं की घटनाओं से उपराजधानी दहल रही है, जिससे शहर के नागरिक में दहशत बढ़ती जा रही है। वहीं आरोपियों में पुलिस का खौफ कम होते नजर आ रहा है। गुरुवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। शराब के नशे में एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू की है। माहिताचं नाव कमलेश हिरडे आहे असं त्याच्या दवाखान्याच्या कागदपत्रावरून समजलेलं आहे। अजून त्याचे नातेवाईक कोण मिळाले नाहीत। सकाळी कोणा व्यक्तीला तो तिथं संशयास्पद स्थितीत पडलेला दिसला, त्यावरून त्याने पोलीस स्टेशनला कळवल्यावरून पोलीस तिथे पोहोचले तर त्याच्या डोक्यात टिकास मारून मर्डर झालेला आहे। त्याचे सोबती जे सोबत खाणार पिणारे होते काही त्यांच्याकडे आम्ही चौकशी करत होतो आहेत। अजून नक्की काय कारणानं मर्डर झाला ते निष्पन्न व्हायचं आहे, लवकरच हे होऊन जाईल असं आम्हाला वाटतं। मय्यत आहे काय कामधंदा करते यामध्ये? मय्यत हा फुटपाथला झोपायचा आणि मिळेल ते छोटी छोटी कामं करायचा एवढं समजलेलं आहे।